सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इतने टाइम से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी के और दादी के ना कोविड हो गया था यार। तो फाइनली दे हैव रिकवर्ड आफ्टर 20 डेज। तो अब जिनसे मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया था ना, मेरे को उन्हें रिटर्न करने जाना है और कुछ ग्रॉसरी लेने जानी है, तो मेरी बहन भी मेरे साथ है। ठीक है, सीधा चलते हैं, पहले ग्रॉसरी लेते हैं या सबसे पहले जाकर सिलेंडर वापस करके आता हूँ उनका, और मैं आपको बताता हूँ कि व्लॉग मतलब किस चीज़ पर होने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा व्लॉग होने वाला है। और यार बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन की, यार सब अपने घर पे रहो, सेफ रहो और फैमिलियों को भी सेफ रखो। बिल्कुल भी बाहर मत निकलो, बाहर निकलो तो मास्क लगाकर निकलो और पूरा मतलब प्रिकॉशंस लेके निकलो, क्योंकि आजकल का जो टाइम है यार बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है टाइम, है ना। आप हालत देख सकते हैं दिल्ली में कितनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं और ऑल ओवर इंडिया ही ख़राब हुई हैं यार। तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे मेरे को अभी सिलेंडर देने जाना है उनका, उनको अर्जेंट है और ग्रोसरी लेने जानी है, तो इंपॉर्टेंट है ना यार घर की ग्रोसरी भी, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो लेते हैं, चलते हैं, फिर बाकी मैं आपसे बात करता हूँ कि ब्लॉग क्या होने वाला है। देखते रहो, बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला है। चलिए चलते हैं। सीधा चल रहा हूँ घर की तरफ, और उससे पहले मैं आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ कि मतलब कैसा है माहौल बाहर। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यार, कितने कम लोग बाहर निकल रहे हैं ना, मतलब जिन्हें अर्जेंट है ना निकलना या इंपॉर्टेंट है कुछ लेके आना है वो ही निकल रहे हैं। तो आप लोग भी यार सेफ रहें, घर से बाहर ना निकलें, और निकले तो मास्क लगा के निकलें। ठीक है, बाकी यार चलते हैं हम भी घर पर, फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए। तो गाइस, मैं ना घर पे आ चुका हूँ, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस ब्लॉग में होने क्या वाला है। कि यार आज ना मेरी बहन का बर्थडे था, तो इसलिए मैं आपको गाड़ी में बता नहीं पाया, क्योंकि वो भी थी और मैंने सरप्राइज़ प्लान करा है। तो यार पिछले ना दो बारी से उसका लॉकडाउन में आ रहा है बर्थडे, और बेचारी बहुत ज़्यादा सैड थी कि मतलब इस बार भी बर्थडे नहीं बन पाएगा। तो मैंने सोचा, और मैं अभी फिलहाल टेरिस पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे है, उसे सुनना चाहे। ठीक है, तो मैं आपको सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ अंदर, अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले सरप्राइज़ देखिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ना कुछ चीज़ें इकट्ठे करी हैं कि जिनसे मैं बनाने वाला हूँ। और यार बाकी मैं बाहर से खरीद के नहीं ला सकता था, क्योंकि कोविड चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहीं पे जो मेरे पास थे ना प्रॉप्स, मैं उन्हीं से कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे कैनोपी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तार बांधा है और इसी पे अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना कैनोपी। तो चलते हैं, सीधा बनाते हैं। चलिए। A few moments later. So guys, यहाँ पे मेरा सेटअप तैयार हो चुका है यार। करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं उतना आप लोगों को टाइम लैप्स में नहीं दिखा सकता था। बाकी मैं जितना दिखा सकता था मैंने दिखाया, और मतलब जितने भी रिसोर्स मेरे पास घर पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी ना, मैंने उन्हीं से बनाया। बाहर से मैं जाके मतलब कुछ भी नहीं लेके आया, और सारी मार्केट वैसे भी बंद है तो जा भी नहीं सकता था। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनसे बना दिया। बाकी मैंने केक भी मंगवाया बाहर से, सैनिटाइज कर लिया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप में से भी किस किस का बर्थडे आता है ना लॉकडाउन में, मेरे को बताना, कॉमेंट करो और मेरे को बताओ। और पहले आपको छोटा सा एक टूर दे देता हूँ, फिर चलता हूँ बहन को बुलाता हूँ। ठीक है, उसमें को भी कुछ भी नहीं पता है सही में, उसका रिएक्शन लेते हैं कि मतलब उसे कैसे सरप्राइज लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी कि मतलब मेरा बर्थडे नहीं बन पा रहा है। पिछली बारी भी नहीं बन पाया था, तो इस बार इसलिए मैंने छोटी सी डेकोरेशन कर दी। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, आप इतने थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। Money in the carry on a boy in planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Wife you want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I'll get it done. तो गाइस ठीक है ना, फटाफट से बहन को बुलाता हूँ। ठीक है, उसे मारता हूँ आवाज, और मम्मी को मैंने यहीं पे बुला लिया, और पापा भी अंदर हैं। ठीक है, तो प्रियांशी, प्रियांशी जल्दी आ। 2000 years later. आ गई बहन। बस बस बहन, सुबह से मैं इसी में लगा हुआ था, है ना। मम्मी और मैंने मिलके बनाया है, पापा भी अंदर हैं। क्या ढूंढ रहा था? मेरे को लग रहा था कुछ कोई ढूंढ रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो ठीक है, सीधा अब केक कट करते हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डे डियर प्रियांशी। Thank you.
जो सेलिब्रेशन करनी थी ना हम कर चुके हैं, बाकी हम बहुत सारी चीज़ें मतलब भूल भी गए, जैसे बैलून्स लगाने थे काफ़ी सारे और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें, बाकी हम यहाँ पे खाना रखा हुआ है तो हम अंदर जाके खाना खाएंगे। लॉकडाउन लग चुका है और इससे पहले मतलब मेरी मम्मी को और दादी को कोविड हो गया था, तो 20 दिन में उस चक्कर में मतलब व्लॉग्स नहीं डाल पाया। और यार मतलब अब बिल्कुल भी व्लॉग्स में बाहर जाके नहीं बना सकता हूँ, तो कोई व्लॉग डालने के लिए नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी सेलिब्रेशन करके, मैं वैसे भी करने की सोच रहा था और व्लॉग भी बन गया है ना, तो मैंने करके डाल दिया है। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो चलते हैं व्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।